नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉय जोन। जैसे कि आप सभी को पहले से पता है कि मेरा जो काम है टॉयज़ की अनबॉक्सिंग करना, उसका इंस्टॉलेशन करना और सारे डिटेल में आपको बताना है और नॉलेज आपको देना है। तो आज आपको शायद थंबनेल देख के आपको कुछ पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ और किस चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मेरे हाथ लगा है आज एक राइड ऑन टॉयज का, जो एक जिप मॉडल में है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को भी पता होगा इसके बारे में, क्योंकि बाहर सब देखे होंगे, किसी 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 के पास ये रहा होगा। तो उसी चीज़ को मैं लेकर के आज अनबॉक्सिंग करूँगा, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। उसको फिटिंग भी कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी रहता है हर किसी को, ये उसको फिटिंग कैसे करते हैं, कहीं से भी मंगा लिए, फिटिंग करना प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन क्या डिटेल में है, उसका प्रॉब्लम कैसे आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सारे चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और पूरी तरह से नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा मेरे तरफ से, मेरे को जितना भी पता है। जुड़े रहिए मेरे साथ और आइए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग सिस्टम और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको ध्यान भी रखिएगा, पैकेट के अंदर जो भी छोटे छोटे सामान मिले, इस तरह स्क्रू हो, नट बोल्ट हो, कोई भी वायर हो, कोई भी उसका सामान उसके अंदर पड़ा हो, उसको फेंकेगा मत, उसको ध्यान में रखिए, किसी ना किसी चीज़ पे वो काम पे लगता है, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। मैं जैसे कि निकालता हूँ, मेरे को ये अभी निकला, तो इसको मैं सेफ जगह पर रखता हूँ, इस साइड में रख देता हूँ उसको अलग से, उसके बाद में पैकेट से निकालता हूँ। देखिए, हर छोटे छोटे चीज़ इसके अंदर काम में आता है, कोई फेंकने का चीज़ नहीं है, सिर्फ अगर फेंका जाएगा तो ये पन्नी वगैरह और कुछ नहीं, सारे चीज़ काम में आने वाला है। तो आप बारीकी से देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करते हुए, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो शायद कुछ ऐसा छूट जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा या समझ नहीं आएगा, तो फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ, इसका देखिए ये एक निकला है, अभी एक स्क्रू और भी निकला है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पैकेट के अंदर कंपनी ने दिया मतलब तो कहीं ना कहीं उसको काम आने वाला होगा। जैसे कि आपने देख लिया, मैंने स्टीयरिंग फिटिंग कर दिया हूँ, उसको आपने तो बारीकी से चेक कर लिया होगा। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट थिंग, हर एक गाड़ी जो कंपनी देता है ना, उसके साथ में क्या करता है, ये बैटरी का जो कनेक्शन है, ये दो बैटरी देता है या कोई गाड़ी में एक बैटरी देता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 6 वोल्ट हो या 12 वोल्ट हो। तो मेरे हिसाब से ये तो 12 वोल्ट का गाड़ी है, इसके साथ सीरीज कनेक्शन दिया गया है, तो ये तो रहता है कनेक्शन के साथ, ये निकला हुआ था। तो अभी मैं इसको कनेक्शन दे देता हूँ, ये नेगेटिव निकल गया था, चलिए ठीक है। मेन चीज़ ये है, पॉजिटिव वाला केबल निकला होगा और इसके साथ जो है एक नेगेटिव वाला केबल आपको मिल जाएगा। तो पॉजिटिव वाला केबल जो है आपको रेड रेड में लगाना है बैटरी का, उसमें पॉजिटिव पॉइंट में लगाना है, इस तरह से आपको पुश कर देना है। और ये भी ब्लैक वाला जो है, ब्लैक कलर बैटरी में कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। जब मैं कनेक्ट कर दिया, तुरंत ही स्टार्ट हो गया। इसमें स्विच ऑफ कर देते हैं पहले, सारे चीज़ को उसको फिटिंग करने के बाद इसका जो सीट होता है, ये फिटिंग हो गया, टाइट कर दिया पहले, टाइट करने के बाद इसका ऊपर जो सीट कवर रहता है या सीट रहता है, इसको डाल देते हैं। यहाँ
यहाँ जो एक ध्यान देने वाली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है। इसमें इसके साथ जो चक्का दिया गया है, एक देखिए चक्का दिखने में सेम है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा गैराज जैसा लगा हुआ है, गियर जैसा यहाँ पे प्लेन है। जिसमें गियर लगा होगा ना, आपको मोटर की तरफ लगाना है, और प्लेन वाला जो है आपको आगे की तरफ लगाना है। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये जो नट है ये नट के हिसाब से आपको रेंच लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो अभी नट इसमें है तो ये 16-17 नंबर का रेंच लगता है, जो स्पैनर बोलते हैं इसको। तो इसको टाइट करने के लिए आपका गाड़ी का बाईं तरफ भी किसी को पकड़ा दीजिएगा, प्लायर से लेकर के या जैसे भी हो उसको होल्ड कर दीजिएगा। उसके बाद इसको ऐसे घुमाइए, देखते हैं जब तक इसके अंदर जो एक प्लास्टिक वाशर जैसा दिखता था, मैंने आपको दिखाया था उस टाइम, तो प्लास्टिक जो है ये बोल्ट से बाहर आ जाए, क्योंकि ये एक वाशर टाइप का रहता है और लॉक भी रहता है, बच्चे लोग चलाते समय ये बाहर ना जाए इसीलिए दिया गया है, वो अपने आप नहीं निकलेगा। तो इसको इतना टाइट करिए कि ये रबर वाशर से ये वाला स्टड जो है बीच वाला निकल जाए, ये वाशर अंदर चला जाए, तो ये आराम से ऐसा नहीं निकलेगा। तो इसी तरह आपको लेफ्ट साइड चक्का भी फिटिंग करना है। चक्का चारों तरफ लगाने के बाद फिर काम जो है इसका विंडशील्ड लगाना है। तो विंडशील्ड लगाने के लिए इसका जो यहाँ से तो नहीं लगेगा, इसका बोनेट निकालना पड़ेगा। यह एकदम ओरिजिनल की तरह है, ये बोनेट को आगे ऐसा कर लीजिए, फिर इसके बाद में यहाँ इस तरह इसको पुशिंग सिस्टम है लॉकिंग का, इंटरलॉक का, ये ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। उसको थोड़ा दबा दीजिए, पुश हो जाएगा इस जगह पर। पुश होने के बाद यहाँ पे दो स्क्रू लगता है, तो स्क्रू फिटिंग होने के बाद इसको लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा। विंडशील्ड लगाने के बाद ये जो सपोर्ट है पीछे का बार के लिए सपोर्ट दिया गया है, इसमें यहाँ पुश होगा। तब आता है इसका काम। तो ये जो है ज़्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है, ये सिर्फ इसको पुश करना है, जगह पे अपने आप लॉक हो जाएगा। कुछ इस तरह से आवाज़ भी आएगा, तो देखिए ये पूरा लॉक हो गया। इस तरह भी उठा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है ये। लाइट दोनों दिए, फॉल्स दिया है, हालांकि ये जलेगा नहीं, लाइट इसमें फॉल्स दिया गया है। उसके बाद में इसका मिरर लगाते हैं। ये वाला जो चक्का है ये एक स्टेपनी यूज़ के लिए दिया गया है, और एक साथ में ये सपोर्ट भी है, कभी कोई चक्का अगर ख़राब हो जाता है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसको हम फिटिंग करते हैं। हाँ, इसमें दो स्क्रू लगता है, दो स्क्रू कहाँ देखिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसके बाद जो है इसका मिरर लगाना है दोनों तरफ, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है, तो सिर्फ इसको पुश कर देना है। इसका रिमोट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, कोई कोई मॉडल में मॉडल के हिसाब से रिमोट आते हैं, लेकिन इसके साथ जो है ये ब्लूटूथ टाइप का रिमोट दिया गया है, ट्रांसमीटर इसमें लिखा है। तो इसका फंक्शंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी है, ये आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसमें पेयरिंग कैसा करते हैं, ये लेफ्ट वाला बटन राइट वाला बटन, उसका कौन सा किस चीज़ का काम है, ये सारा चीज़ मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए इसमें दो सेल लगते हैं, 1.5 वोल्ट का ट्रिपल है लिखा भी है, और शायद आपको पता ना चले इसमें मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, ट्रिपल ए साइज़ का बैटरी लगता है, बाज़ार में मिल जाएगा ट्रिपल ए साइज़ का बैटरी। इस तरफ आपका माइनस बैटरी लगेगा, बैटरी का माइनस पॉइंट लगेगा, ये माइनस, इस तरफ दोनों प्लस, तो ये दो बैटरी में चलता है। बैटरी डालने के बाद कुछ इस तरीके से लाइट चलेगी। ये क्यों ऐसा ब्लिंक हो रहा है, क्योंकि ये आपका गाड़ी का ब्लूटूथ के साथ ये पेयरिंग नहीं हुआ अभी तक। जब तक गाड़ी का बैटरी के अपना रिमोट ट्रांसमिशन के साथ ये पेयरिंग हो जाता है, तब इसका लाइट जो है कांस्टेंट हो जाएगा। इसका ये रिमोट का सिस्टम ऐसा है, इसका पेयरिंग सिस्टम मैंने इंस्ट्रक्शन में पढ़ लिया है। ये एम वाला बटन जो है प्रेस करके रखिए, कुछ लॉन्ग प्रेस करके रखिए कुछ इस तरह से, उसके बाद में जो है ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा।
तब उसको क्या करना है, आप उसका पावर बटन ऑन कर दीजिए। अब देखिए ये कॉन्स्टेंट हो गया। ये गाड़ी का रिमोट के हिसाब से हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो एरो मार्क दिया गया है इसके अंदर, देखिए ये वाला ऊपर वाला जो एरो मार्क है, इसको जब दबाएंगे तो ये गाड़ी आगे भागेगा। ये वाला पीछे वाला, ये देखिए आपके सामने में दिखा दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको दबाएंगे तो गाड़ी आगे जाएगा। ये वाला जो है नीचे एरो दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा ये पीछे जाने वाला गाड़ी। ये एस वाला बटन जो है, लगभग हर एक गाड़ी का रिमोट का फंक्शन इसी तरह ही होता है। एस दबाएंगे तो एक बार तो ये पहला वाला LED जलेगा, फिर दोबारा जलाएंगे तो डबल, मतलब ये स्पीड आपको 1, 2, 3 स्पीड गियर में देता है। ये आपको 1, 2, 3 ये गियर में देता है, तो आपको जिस स्पीड में चलाना हो बच्चे के हिसाब से आप उसको शिफ्ट कर लीजिए। उसके बाद आ गया एम वाला बटन। एम वाला बटन में क्या होता है, ये तो एक पेयरिंग का बटन है, मतलब गाड़ी के साथ रिमोट को पेयरिंग करने के लिए, उसको इंटरनल कनेक्शन के लिए, तो और एक दूसरे काम के लिए यूज़ करता है इसका। एम जब दबा देंगे ना गाड़ी ऑटोमेटिकली ऐसा आगे पीछे होता रहेगा, इसका मतलब ये स्विंग करता है। बच्चे को बिठा दीजिए सीट बेल्ट लगा करके, तो स्विंग होता रहेगा, बच्चे मतलब इस पर खुश हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ये खुश हो जाते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि ये झूला झूला रहे। कुछ इस तरीके से उसका मूवमेंट होता है। तो पहले बंद कर देते हैं, हाँ ये बंद कर देते, फिर कंस्टार्ट हो गया पहले जैसा। उसके बाद में आता है पी, ये दबाएंगे तो आपको ये वाला बटन जो है, इसको दबाने के बाद ये LED ब्लिंक होता रहेगा। इसका मतलब गाड़ी आप चलाते वक्त आप पी बटन दबा देंगे तो ये पॉज हो जाएगा, गाड़ी से चला देंगे तो अभी ये बटन कोई भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। ये चलाते वक्त भी आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं, ये वन टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम भी है। गाड़ी चलाते वक्त आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक हो जाएगा तब ये काम नहीं करने वाला कुछ। तो देखिए मैं भी पीछे ले रहा हूँ, अभी ब्रेक लगा दिया, इसको भी दबा हुआ है, ये पी लगा दिया तो गाड़ी ब्रेक हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो इसके बाद में ये हटा दिया मैंने, ये वाला देखिए राइट और लेफ्ट, अगर राइट दबाऊँ तो ये चक्का घूम जाता है राइट को, अगर लेफ्ट दबाऊँ तो ये चक्का देखिए लेफ्ट घूम जाता है। गाड़ी आगे जाएगा सर, पीछे कर लीजिए पीछे आएगा, कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये वाला हो गया स्विंग का, जैसे कि मैंने आपको रिमोट में पहले बताया था, ये अपने आप चलता रहेगा, कुछ भी मत करिएगा, ऐसे ही ऑन करके छोड़ दीजिए, बच्चे को बिठा दीजिए वो अपने आप चलता रहेगा। इसको बंद कर देते हैं, हाँ फिर आते हैं स्टीयरिंग। तो बच्चा जो है स्टीयरिंग अपने आप भी घुमा सकता है, यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम दिया गया, हॉर्न इस तरफ ऑन और इसमें म्यूजिक सिस्टम। चार पांच गाने आपको मिल जाएंगे, ये हॉर्न मिल गया। तो इसमें जो है कंट्रोल डाल कर भी गाना बजा सकते हैं, ये ऑक्स कॉर्ड का सिस्टम है, ऑक्स पिन डाल के कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है चार्जिंग का, इसके साथ जो है 12 वोल्ट का एडाप्टर दिया गया है ये चार्जिंग का। इसमें एक LED इंडिकेशन भी है, जब आप चार्ज में बिठाएंगे, मान लीजिए गाड़ी को चार्जिंग नीड है, तो आप जब इसको चार्ज में बिठाएंगे तो इसका चार्जिंग पिन यहाँ दिया गया है इस तरफ, सो चार्जिंग हॉल भी लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको पुश करना है, पुश कर लिए, खोलने के बाद ये आप तो खोल लीजिएगा, प्लग पॉइंट के हिसाब से आपको लंबा जितना रखना हो। इसको आप प्लग में लगाएंगे, 240 वोल्ट 230 वोल्ट में लगता है इंडिया में। तो ये वाला LED जो है, अगर गाड़ी को चार्ज नीड है तो ये रेड जलेगा, अगर गाड़ी का चार्जिंग कंप्लीट हो गया तो अपने आप वो ग्रीन हो जाएगा। तो ऑटो ट्रांसमिशन का है ये, ऑटोमेटिकली इसका किट है, सिस्टम सर्किट दिया गया है, तो वो चार्जिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली वो बैटरी को ख़राब ना होते हुए इसे चार्जिंग कराता है। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा हो गया, फिर भी ये जानकारी वाली चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। और हमारा जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके हमको बताइए। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।